Aluja Gold Deep. पूर्वी चंपारण की चकिया ब्लॉक पर समीक्षा बैठक आयोजित। एसडीओ ने नल जल योजना सहित कई योजनाओं पर उठाए सवाल। कई पदाधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन का अभाव। मरीजों को एम्बुलेंस में बिताना पड़ रहा समय। भारी कमी देखी जा रही है। अस्पतालों में भी अव्यवस्थाएं। मुजफ्फरपुर में एसएससी की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। एक सेंटर से दूसरे सेंटर दे रहा था परीक्षा। पुलिस ने मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। बिहार में पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है टीका उत्सव। समस्तीपुर में कोरोना वैक्सीन खत्म। निराश लौट रहे बुजुर्ग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूर्वी चंपारण की चकिया ब्लॉक परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दरअसल ये बैठक टाइसिम भवन में एसडीओ ब्रिजेश कुमार ने सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना मनरेगा सहित कई योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को लेकर की है। बैठक में मेहसी प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत सचिव, लेखपाल सहित अधिकारी और कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि हर हाल में सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने के साथ ही साथ सरकार की अन्य योजनाओं को धरातल पर उतारना भी जरूरी है। और पूरे देश में कोरोना महामारी देश गति से पांव पसार रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से लोगों में काफी परेशानियों का सामना भी दिख रहा है। ताजा मामला रांची से सामने आया, जहां पर बेहतर इलाज के लिए चतरा जिले से आए मरीजों को बेड मिलने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से एम्बुलेंस में समय बिताना पड़ रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? बेड मिल रहा है? नहीं, बेड तो नहीं मिल रहा। बेड कर रहे कि दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे? सीधे सीधे अपना रिस्क पर, नहीं कहीं जगह नहीं, अपना रिस्क पर बोल रहे रखने के लिए। अपना रिस्क पर डॉक्टर से बात हुआ है? हाँ, डॉक्टर से बात हुआ। डॉक्टर साहब आए थे? नहीं। मुजफ्फरपुर में एसएससी परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। दरअसल पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही का है। रैक सेंटर पर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई को केंद्र के अधीक्षक के द्वारा पकड़ा गया, जिसकी सूचना उन्होंने सदर थाने को दी, जिसके बाद सदर थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुन्ना भाई मधुबनी जिले के लोखी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जाँच में अब जुटी है। सूचना मिली थी कि दूसरे के जगह पर दूसरा आदमी दे रहा है परीक्षा थाना अध्यक्ष को, जिसके सूचना पर यहाँ से पदाधिकारी गए और उसको लाए और इसके बाद थाना में बंद किए। जी, क्या पहचान हुई लड़का की? लड़का का है, ये तो पैसा पर परीक्षा देता है काजी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई अभी जेल भेजा जा रहा है। यूपी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कई दलों का जनसंपर्क अभियान जारी। अपने प्रत्याशी के सपोर्ट के लिए कई दल के नेता क्षेत्रों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। बदायूं जनपद के वार्ड नंबर 25 में ग्राम प्रधान प्रत्याशी वर्षा सिंह यादव के समर्थन में पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इस दौरान पूर्व एमएलसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन तोमर ने देखी। जितेंद्र यादव जी, ये जो है घर घर जाके जो है वोट मांग रहे हैं, और जो है क्या इनका जो है रुक रहेगा? गांव वालों से पहले हम पूछते हैं, क्या जो है जब चुनाव आते हैं तभी जो है आते हैं, या जो है जो जनता जो है आज जो है किसको चुनना चाह रही है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। घर घर जाकर जो है, भैया क्या नाम है आपका? सुरनाम। कौन सा गांव है? सुरनाम। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जो है चुनाव को लेकर जो है किसको चाह रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव के लिए ऐसा क्या जितेंद्र यादव जो जितेंद्र यादव को चाह रहे हैं आप? और भी काम करें। सीसी डलवाई है और भी काम किए। क्या नाम आपका? महेश।
प्रत्याशी आपके यहाँ कई आ रहे होंगे, जो है जिस समय समय आता है उस समय जो आपके लिए जबरदस्त जो है कि हम ये कराएंगे वो भी दे रहा हूँ, फिर जो है किसे चाह रहे हैं आप इस समय? हम जितेंद्र यादव के अलावा और किसी को नहीं चाह रहे, हमारे नेता ने बहुत काम किया, बहुत काम किया है। जितेंद्र यादव को आप चाह रहे हैं? हाँ चाह रहा है। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव है? ज्वालापुर में जो है जैसे प्रत्याशी और भी आ रहे होंगे तो उन्हें देखते हुए जो है आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? जितेंद्र यादव के लिए क्या क्या लग रहा है? जितेंद्र यादव जो है क्यों जितेंद्र यादव को चाह रहे हैं आप? काम बढ़िया किया, काम बढ़िया किया है इसलिए आप जितेंद्र यादव चाह रहे हैं। जब जो है जिस समय समय आता है तो उस समय जो हर जो है प्रत्याशी आते हैं, प्रत्याशी आके जो है हर जो है अलग अलग तरीका के जो है सफरे दिखाते हैं, लेकिन समय नहीं जब चला जाता फिर कोई नहीं आता, फिर ये अरे कोई दिखाई भी नहीं देता, दिखाई नहीं देता है। जितेंद्र यादव आपको ऐसे लग रहे हैं जो प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो जो है जनता के बीच रहते हैं और काम करते हैं? काम किया उन्होंने, काम किया मिलता है। ये देखिए हमारे बीच जो है ये ज्वालापुर गांव है, यहाँ पर क्षेत्र में जो है चर्चा का हसुआ निकला है, यहाँ पर जो है पूरी जनता जो है जितेंद्र यादव को चाह रही है। एक चीज और बताए की जितेंद्र यादव की खासियत ये रही है वो गरीबों के मसीहे कहलाते हैं, जहाँ जाते हैं चाहे सरकार हो या नहीं हो, चाहे पद हो या नहीं हो, जितनी सेवा होती है अपने दम पे जो है करते हैं। हम जो बात करना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा जी महपुर राम नाम है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा ये हसवन आ रहा है, मैं मोरिया हूँ। अच्छा मोरिया आप? हाँ जी। अच्छा ये लगाइए जैसे क्या कौन सारी पार्टियाँ लग रही है जितेंद्र यादव को, कौन कौन सी पार्टियाँ मिलती दिखाई दे रही है? पार्टी से जो मर्जी आजा जी, जो हमारे भाई साहब हैं जितेंद्र यादव जी, उनसे बढ़िया हमें कोई नहीं दिखता। हमारे छोटे बड़े को लेके साफ बेच चलते हैं, किसी से वो नहीं करते, छोटा पंचायत बड़ा पहुँचा जी, सबके उनको सम्मान देते हैं। और हमने ऐसा नेता अब तक कोई देखा नहीं जो जमीन के बीच में रहता हुई है जी, जो जमीन हाँ जी उन जैसा नेता हम तक आज तक नहीं मिला और नहीं मिलेगा जी। और हम तो ये जनता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कहते हैं कि हम ताई हमारे भाई लोगों, किसान भाइयों, हमारे भाई साहब होता है, एक बार देख लो अगर क्षेत्र में मतलब रोना चाहते हो, खुशहाली चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेके आइए और उनका सम्मान दिए और वोट भी दिए और उनको खुश करके भेजा हम। ये देखिए पूरा गांव है, यहाँ पर जो है पूरा गांव का कहना यही है कि जितेंद्र यादव एक ऐसा चेहरा है जो जमीनी स्तर पर रहते हैं, दूसरा जो है गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं। हम जो बात करना चाहेंगे जो है जितेंद्र यादव जी से कि जो है आपके लिए बीजेपी ने टिकट देके जो है यहाँ पर कोलियाई को उतारा है। सर पहले तो वीआईपी मीटिंग में स्वागत है आपका। सर जो है जनता आपको मसीहा कहा जाता है गरीबों का, और आप जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, आपके आने के पद आने के बाद क्या क्या और सोचेंगे गरीबों के लिए? मेरी अपनी सोच है कि जो हमारा किसान भाई है, हमारा गरीब भाई है, उसकी सेवा करना और जिला बदायूं का विकास करना, ये मेरी सोच है। और पिछले 10-12 साल से कहीं ना कहीं मैंने साबित किया है, 247 सीसी रोड बनवाने का काम करा, 965 सोलर लाइट लगवाने का काम करा, 926 हैंडपम्प लगवाने का काम करा, कछला पे एक रैन बसेरा बनवाने का काम करा, 7 यात्री सेट बनवाने का काम करा और कम से कम 3-4 धार्मिक स्थलों पर लाइट लगवाने का काम किया। पूरा क्षेत्र जो है देख रहा है आपके लिए साथ में है, पूरा गांव साथ में है, जनता जो है जबरदस्त आपको चाह रही है, फिर जो है और चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूं और आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने आपकी सेवा करी है अब उस परीक्षा का आपको परिणाम देना है। जैसे कि 10वीं का बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करता है, तो जनता से मेरा निवेदन है कि भाई लोगों वो परीक्षा में कौन सी डिवीजन में आप लोग पास कराओगे, फर्स्ट डिवीजन में मुझे पास कराओगे या कोई और डिवीजन दोगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरा निवेदन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनवाने का प्रयास करें। मेरी पत्नी वर्षा सिंह यादव। जितेंद्र यादव जो है पूरे एमएलसी रह चुके जितेंद्र यादव जी, पूरा जब क्षेत्र में अलग चेहरा रहता है, ये जो है गरीबों की जब कोई मुसीबत होती है, जब सूचना मिलती है कहीं भी हो और गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे किसी को लेकर सही, अभी कई कांड हुए थे, हर पार्टी के जो है विधायक भी आए थे, मंत्री भी आए थे, उन्होंने सहायता नहीं की थी, लेकिन एक ये चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जेब से जो है उन्हें मदद दी और क्षेत्र में अपना अलग से नाम रोशन किया। अब देखना यह होगा कि जनता को लिए इतना चाहने वाले, जनता इनको कितना साथ देती है। बीआईपी न्यूज पवन तोमर ब्यूरो से बताएंगे। बिहार में पूरे जोर शोर से टीका उत्सव मनाया जा रहा है, मगर समस्तीपुर में वैक्सीन की सप्लाई कम पड़ गई। सदर अस्पताल टीका केंद्र पर आया वजर निराश होकर लौट गया, वहां पर एक नोटिस भी चिपकाया गया कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से अगले आदेश तक वैक्सीनेशन बंद रहेगा।
11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। वैक्सीनेशन सेंटर के पास एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर वैक्सीनेशन कार्य स्थगित होने की बात लिखी गई। एसएन में यह नहीं बताया गया कि वैक्सीनेशन दोबारा कब शुरू होगा। यह हाल समस्तीपुर नगर भवन का है जहाँ जिला मुख्यालय के दूसरे केंद्र वहां पर खोले गए थे, लेकिन यहाँ पर भी एक नोटिस लिखा हुआ दिखाई दिया। टीकाकरण है ये नहीं है, नोटिस लगा हुआ है कि नहीं है, जब आएगा तब फिर शुरू होगा। कोई नोटिस नोटिस बोर्ड वो लगा दिया है केवल, बस। क्या परेशानी होती है कि हाँ तो आना, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आए कब आएंगे, कब आएगा, क्या कोई ठीके ठिकाना थोड़े है। क्या अपील करना, क्या कहना चाहते हैं सरकार से या सिस्टम से? सरकार कहना चाहते हैं कि सब मतलब अपना देश में पहले पूरा टीकाकरण करा ले, उसके बाद दूसरे को दे, दूसरे देश को दे। अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ आदमी लौट रहा है, दूसरे को हाथ भेज रहा है। क्या करण के लिए आए थे, टीका नहीं है यहाँ, सूचना लगा करके कोई आदमी कुछ बोलने वाले नहीं है कि क्या है नहीं है, सूचना लगा दिए हैं, चल दिए हैं। अपने देश में नहीं मिल रहा है हम लोगों को, दूसरे देश को दिया जा रहा है। टीवी पे दिखते है, दिखाई देता है कि दूसरे देश को हम लोग दे रहे हैं? देख रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से? हम उससे तो यही कहना चाहते हैं पहले अपने जिला में टीकाकरण करा लें, दें सबको। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, फिर भी शहर में लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ब्लॉक और जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बीते दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में 91 लोगों की लैब में सैंपल जांच किया गया, जिनमें से 5 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। कोरोना हो गया है तो ठीक है, एक दो इनके स्टाफ का कोरोना हो गया है, बाकी स्टाफ को तो बैंक में रखना चाहिए था। पब्लिक बहुत दूर दराज से हम लोग आते हैं पैसे खर्चा करके, साथ में बच्चों को लेकर के, अपना ये बच्चों का आवश्यकता के सामान लेने के लिए, खाना पीना के सामान के लेने के लिए, चावल दाल लेने के लिए, बताइए हम लोग कैसे खाएंगे कैसे जिएंगे। ये लोग बैंक वाले मन मर्जी करते हैं, अपना मन मुताबिक जब मर्जी हुआ बंद कर दिए, जब मर्जी हुआ खुले। कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया तो ठीक है, जो हो गया वो घर पर रहे या अपने क्वारंटाइन में रहे। बाकी लोग, बाकी जो स्टाफ है, यहाँ के जो मैनेजर हैं, उनको आना चाहिए, बैंक को खोलना चाहिए, और बैंक को खोल करके पब्लिक जो भी है पैसे की आवश्यकता उनको पूर्ति करना चाहिए, तो ऐसा कर नहीं रहे। लेकिन क्या बिहार में अभी भी तालिबानी सजा मिलती है? एक दलित शख्स जो कि वहां पर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किस तरह से उसके साथ वो कृत्य किया गया जो वाकई में मानवता को शर्मसार करता है। रिपोर्ट आप देखिए। गया में युवक को दी गई तालिबानी सजा, सजा के तौर पर पिलाया गया पेशाब, दलित युवक से चटवाया गया थूक, युवक करता था एक लड़की से प्यार। गया के वजीरगंज से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक दलित युवक को तालिबानी सजा सुनाई गई है। युवक का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपनी बिरादरी की एक लड़की से प्रेम करता था और 3 दिन के लिए उस लड़की को लेकर फरार हो गया था, और जब वो वापस गांव लौटा तो पंचायत बुलाई गई और उसको तालिबानी सजा सुनाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं पीड़ित युवक को सजा के तौर पर पहले पूर्व मुखिया के समर्थकों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पूर्व मुखिया जब पहुंचे तो उन्होंने पहले उसे पेशाब पिलवाया, फिर दूसरों का थूक चटवाया। इतने से भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने उससे उठक बैठक भी करवाई। पूर्व मुखिया के समर्थकों ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो 7 अप्रैल का बताया जा रहा है। पीड़ित को उसके परिजनों के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पीड़ित ने सामने आकर बताया कि वह डर की वजह से किसी और दूसरी जगह छुप गया था, प्रशासन उसे इंसाफ दिलाए नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। भैया हो
हम मनोज कुमार कढ़ौना गांव से रहने वाले हैं। रास्ते में मोहन मिला मुखिया कि बोला मेरे घर पर आओ, थोड़ा तुमसे काम है। हम गए उसको घर पे और बोला यार क्या हम नहीं कर करें। तो हम बोले क्या काम करें मुखिया जी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। और बोला छोड़ो उतना हटाओ, इलेक्शन आ रहा है, गाँव गाँव प्रचार करो। हम बोला ऐसा नहीं करेंगे। बोला जिद्दी है, इसको रूम में बंद करो। रूम में बंद किया, बहुत मारा हमको और इतना तक नहीं हुआ। तो बोले इसको पेशाब करके पिलाओ, पेशाब करके पिलाया। वायरल वीडियो के बाद गया एसएसपी आदित्य कुमार ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर पूरे मामले की जांच की। तो यह बात सामने आई कि जिस युवक के साथ ये सब कुछ हुआ था वह एक लड़की से प्यार करता था। प्रेम प्रसंग में दोनों 3 दिनों के लिए फरार भी हो चुके थे। लौटने पर लड़की के परिजनों ने ग्रामीण और पूर्व मुखिया द्वारा इस मामले को लेकर पंचायत की गई और पूर्व मुखिया ने ये सजा सुनाई। एक बहुत ही अपमानजनक घटना इसमें दिखाई गई थी कि एक लड़के को थूक चटवाई जा रही थी वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक कमरे के अंदर। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बना के तुरंत भेजा गया था। वहाँ से इस बात का सत्यापन जब कराया गया तो बात ही सही निकली। मामला आया कि जो लड़का था, क्योंकि नाम नहीं बताएंगे, कि जो लड़का था वो एक लड़की को लेके भागा था। उसके बाद वो 3-4 दिन बाद जब वो वापस आ गया तो पंचायती कराने के लिए लोग उसको मुखिया के यहाँ लेके गए, जो वीडियो में भी आ रहा है। और वहीं पर जाके उसकी पंचायती के फैसले में ये सब ये जो कुकृत्य था वो किया गया। इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक केस नंबर 159/21 जो है वजीरगंज थाना में लॉज हुआ है SC ST एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंदर। और इसमें 6 लोग, एक विठल सिंह और धर्मेंद्र कुमार, एक गौतम कुमार, एक दिलीप मांझी, विजय मांझी, इंदल मांझी और लालजीत कुमार, इनको गांव कढ़ौनाम से गिरफ्तार किया गया। तो आखिर में आपको दिखाते हैं आज के दिन नवरात्रि से जुड़ी कुछ चीजें। आज पूरा देश चैत नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और वैशाखी मना रहा है। वहीं कल से पाक माह ए रमजान की भी शुरुआत हो रही है। त्योहारों के बीच आस्था पर कोरोना महामारी का खतरा मंडराता दिख रहा है। आने वाले समय में कोरोना का खतरा कितना बढ़ेगा या फिर कम होगा, क्या है ज्योतिषियों की राय? हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने बात की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्रा से। आखिरी में देखिए आप ये भी। नवरात्र, गुड़ी पड़वा, वैशाखी और माह रमजान की शुरुआत कल से होने वाली है। इन तमाम पर्वों के बीच में अगर हम देख लें तो पूरे देश में त्योहारों के उत्साह को COVID-19 के खतरे ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है और आज की तारीख में कोरोना महामारी आस्था पर भारी पड़ चुकी है। और कह सकते हैं कि जहां पूरे देश में कोरोना महामारी का जिस तरीके से दूसरे स्ट्रेन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लेकर आम लोगों के बीच में कई भ्रांतियां भी पैदा हो रही हैं और लेके मन में तरह तरह के विश्वास और अंधविश्वास के बीच में लड़ाई भी जारी है। अब आज से जो जिन चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई है या गुड़ी पड़वा आज की तारीख में मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही है, तो कह सकते हैं कि आस्था के आगे अब देखना यह है कि कोरोना महामारी कब तक टिक पाती है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र साथ में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय ज्योतिष के लिहाज से कैसा होने वाला है, क्या COVID-19 का खतरा और बढ़ेगा, क्या खतरे में कुछ गिरावट आएगी, ग्रहों के जो परिवर्तन है या ग्रहों की जो दशा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और 2 दिन के बाद सरहुल पर्व मनाया जाता है झारखंड में, 21 तारीख को रामनवमी है, इन तमाम चीज़ों के बीच में COVID-19 कितना प्रभाव पहुंचा पाएगा या कितनी प्रभावशाली की भूमिका में रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं पंडित गणेश मिश्रा से। पंडित जी, पहला सवाल, आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई है, गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, पंजाब में वैशाखी है, कल से माह रमजान की शुरुआत हो रही है, आपको क्या लगता है इन तमाम आस्था के बीच में कोरोना महामारी भारी पड़ने वाली है? पहले तो VIP न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारे तरफ से
चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना, गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामना, बैसाखी की हार्दिक शुभकामना। कल से माह रमजान की शुरुआत होने वाली है, फलस्वरूप सभी मुस्लिम भाइयों को हमारे तरफ से भी शुभकामना है। देखिए ऐसा है कि मंगल के वृष राशि में आने से, पूर्व में भी हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मार्च के महीने में जब मंगल का गोचर वृष राशि में होगा, जहां पहले से राहु विद्यमान है, तो कोरोना एक बार फिर जो है महामारी का रूप, भयावह रूप से लेगी, तेज तीव्र गति से, और जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, साथ ही साथ नौकरी व्यवसाय हर तरह के समस्याओं से, पर्व त्यौहार मनाने में भी, चूँकि ये छुआछूत या संपर्क से होने वाली बीमारी है, इसलिए सभी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है और व्रत को उसी हिसाब से भी मनाने की आवश्यकता है। वाजिब है कि ऐसे महामारी संबंधित रोगों को होने से सभी पर्व त्योहारों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन आस्था का केंद्र बिंदु पर्व, ये सब पर्व होने से हम लोग भले एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, या उतने उत्साह से नहीं मना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव होगा सभी अपने अपने स्तर से मनाएंगे ही। पंडित जी, आप बता रहे थे कि सूर्य के ग्रह परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है सूर्य भी अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए सूर्य जो है ना, आत्मविश्वास का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, वर्चस्व का कारक है, और सूर्य के बलवान होने से आदमी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप को स्वस्थ, तीव्र गति से स्वस्थ पाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे और अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से स्थिति में तीव्र गति से सुधार की संभावना बनेगी। कोरोना महामारी के बारे में जो बात की जा रही है कि खतरा, प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से कह लें कि झारखंड में या पूरे देश में स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो लोगों के मन में डर, खौफ फिर से बैठने लगा है, जो स्थिति 2020 में हमने देखी थी। आपने 1 जनवरी को हमने अपने इसी चैनल पर दर्शकों को कुछ भविष्यवाणियाँ की थी जो अब सही प्रतीत हो रही हैं। आपने बताया था कि कोरोना महामारी का खतरा फिर से लौट कर आएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, श्वास संबंधी समस्याएं होंगी लोगों के, ये तमाम चीजें सही होते हुए दिख रही हैं। आने वाला समय कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आज देर रात से सूर्य और मंगल के स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल जो है ना, मंगल का वास जो है हमारे नासिका के नीचे घ्राण शक्ति है, जिसको सूंघने की शक्ति कहते हैं, वहाँ पे मंगल का वास है, और मंगल जब भी राहु शनि से पीड़ित होता है, खासकर राहु से, तो आदमी को साइनस संबंधी सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित बीमारी होती है। मंगल एक रक्त का कारक भी है, तो जनरली लोगों को थायराइड, शरीर में होमोग्लोबिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं मंगल के कारण होगा, लेकिन खून में जो पौष्टिक तत्व है, जिसको होमोग्लोबिन कह सकते हैं, या कुछ पौष्टिक सेल्स हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे आदमी का हिम्मत जो है अंदर से टूटने लगता है, अर्थात कह सकते हैं कि शारीरिक कमजोरी का शिकार होने लगते हैं। तो मंगल राहु के युति वृष लग्न, चूँकि भारत का लग्न है, तो उसके कारण ये सब परिस्थितियाँ अभी उत्पन्न हुई हैं, और आज रात को लगभग 11-11:30 बजे मंगल का गोचर बस मिथुन राशि में जाने से, पहले से जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हो सकता है कि कल अगर पुनः टेस्ट कराया जाए उनका, तो उनका निगेटिव रिपोर्ट आने की संभावना बनेगी, और धीरे 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 निगेटिव रिपोर्ट की संख्या जो है बढ़ने लगेगी, और कोरोना पूर्णतः तो समाप्त अभी नहीं होगा, पूर्णतः समाप्त होने में लगभग अप्रैल 2022 के बाद ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है ज्योतिषी के हिसाब से,
और 9 से 12 फरवरी के बीच में जो 6 ग्रहों की ज्योति है वो भी मकर राशि में बनी है, उसका भी प्रभाव जब तक शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसका भी प्रभाव रहेगा। इस वर्ष के स्वामी राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में काफ़ी सामंजस्य रहेगी, दोनों मिल के देश और राज्य का विकास करेंगे। मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है, खून खराबा लूट मार इत्यादि से संबंधित है, इसलिए इस तरह की समस्याओं से भी देश को जूझना पड़ सकता है आने वाले समय में। और मंगल जो है माइनिंग से रिलेटेड ग्रह है, इसलिए नए नए माइनिंग माइंस की खोज होंगी, नए नए माइंस से रिलेटेड बिजनेस व्यापार लोगों के समक्ष आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होगा। मंगल एक युद्ध से संबंधित भी ग्रह है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से कुछ मनमुटाव, सीमा पर विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है या पड़ोसी देशों से युद्ध से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। अभी ज्योतिष को लेकर आपने एक राजनीतिक स्टेटमेंट दिया कि केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध डेवलप होंगे, इसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि अभी की मौजूदा जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में केंद्र और राज्य के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये संबंध बेहतर होंगे? ज़रूर बेहतर होंगे, क्योंकि जब राजा और मंत्री जब दोनों एक ही ग्रह होते हैं तो मंत्री का सजेशन राजा को मानना है, राजा का सजेशन मंत्री को मानना है, और जब सर्वे सर्वा जब एक ही आदमी रहेंगे तो वाजिब है कि उनको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपने एक बेहतर बात बता दी, और ख़ास करके अगर राजनीतिक रूप से जो लोग एक्टिव हैं, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको आने वाले समय में यह देखना होगा कि अब यह महागठबंधन की सरकार किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करती है। आप बता रहे थे मंगल आज देर रात अपने स्थान में परिवर्तन करेगा, और साथ ही सूर्य के बारे में भी आप कुछ चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएंगे? सूर्य देखिए हमारे सिंह राशि के स्वामी हैं और उनकी ऊंच राशि मेष है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं जो इस वर्ष के राजा और मंत्री हैं, तो राजा और मंत्री के घर में अगर राजा जाएंगे तो वाजिब है कि मंत्री का जो रहन सहन, कार्यकलाप, अनुशासन वो तो थोड़ा बेहतर होगा ही होगा, इसलिए कल के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि राज्यों की जो विधि व्यवस्था है, जो कोरोना के लिए हमको जो सावधानी बरतना है, जो आज तक जनता जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए उसकी अवहेलना कर रही है, उस पर थोड़ा नियंत्रण पाया जा सकता है या कुछ कड़ाई सरकार बरतेगी, और नहीं तो पब्लिक जो है स्वयं अपने में निर्णय लेके अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, एक आखिरी सवाल, साल के 3 महीने बीत चुके हैं, बाकी लगभग 8.5 महीनों का सफ़र अभी बचा हुआ है, आपको क्या लगता है इन 8.5 महीनों के सफ़र के दौरान देश की या राज्य की जनता को अभी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या आने वाला समय थोड़ा आसान होने वाला है? कुछ मामलों में तो आसान रहेगा और कुछ मामलों में जो है कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल हमने देखा कि जितनी एक्टिव केसें कोरोना की अभी हैं वर्तमान में, पिछले साल इतना एक्टिव केस होने से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी भोजन पानी व्यवसाय रोजगार के लिए, लेकिन इस साल वो स्थिति नहीं है। उसका कारण ये है कि ग्रहों की राशि परिवर्तन से जो हमारे नीति नियम निर्धारक हैं, जो देश को चलाने वाले सरकारी तंत्र हैं, उनकी भी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुई है और आगे भी होगा, लेकिन समस्याएं अभी पूर्ण रूप से रहेंगी लगभग अप्रैल 2022 तक। चलिए, तो एक राहत भरी खबर है हमारे दर्शकों के लिए कि आज देर रात से जिस तरीके से मंगल और सूर्य के स्थान में परिवर्तन हो रहा है उससे स्थितियां थोड़ी नॉर्मल हो सकती हैं और कोरोना का संकट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यह संकट पूरी तरीके से टलने वाला नहीं है। जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, यह अप्रैल 2022 तक संकट चलेगा, उसके बाद ही जाकर कहीं कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। और मंगल के ग्रह के प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया कि यह रक्त का
कारक भी है और खास करके खून खराबे की भी भविष्यवाणी की जा सकती है और जिस जो स्थितियां बन पड़ रही हैं पूरे देश में, हम अगर बात कर लें चुनाव की वजह से रक्तपात हो रहे हैं या बाकी दूसरी भी जो घटनाएं घट रही हैं या कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बेहतर नहीं है, तो उम्मीद यह की जा सकती है कि आने वाला समय थोड़ा बेहतर होगा और कल से स्थिति थोड़ी संभलने की, सुधरने की गुंजाइश दिख रही है, जैसा कि प्रमुख ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्रा का मानना है। सहयोगी रवि विशाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, वीआईपी न्यूज़ रांची।